नागपुरात भूखंड नियमितीकरणाचा एक चांगला निर्णय घेण्यात आला होता, पण त्याची मुदत ही कमी असल्यामुळे अनेकांना नियमितीकरणाचा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. यामुळे यशवंत उर्फ गुड्डू रहांगडले यांनी या संदर्भात वेळ वाढवून देण्यात यावा यासाठी निवेदन दिले. नागपूर सुधार प्रन्यासचे चेअरमन सूर्यवंशी यांनी मागील 2 महिन्यांपासून नागपूर शहरातल्या सर्व भूखंडधारकांना 3,000 रुपये भरून आपली जमीन नियमित करण्यासाठी एक योजना उपलब्ध करून देण्यात आली होती, ज्यामुळे 1,500 ते 2,000 लोकांनी आपले नामांकन जमा केले आहे. हे काम नागपूर सुधार प्रन्यास व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात होते आहे. आज 20 जून ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख होती, ज्यावर तारीख पुढे वाढविण्यासाठी नागरिकांनी रोष व्यक्त केला आहे. नागरिकांचा विचार करून व 25% लोकांनीच अर्ज दाखल केला असून 75% लोकांनी अर्ज दाखल केला नसल्याने व बहुतांश लोकांना अजूनही ही योजना चालू असल्याची माहिती नसल्याने नागपूर सुधार प्रन्यासचे चेअरमन सूर्यवंशी यांना तारीख पुढे वाढविण्यासाठी निवेदन दिले होते व सूर्यवंशी यांनी निवेदन मान्य करून तारीख पुढे वाढविण्याचं आश्वासन दिलं आहे. नागपूरमध्ये अनधिकृत जागेत ज्यांची जमीन आहे त्यांच्यासाठी ही एक चांगली संधी आहे, त्यांनी ही संधी सोडू नये. आमचे जनसंपर्क कार्यालय नेहमी नागरिकांसाठी सुरू आहे व आम्ही सर्व नागरिकांना निशुल्क मदत करायला तयार असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना नेते गुड्डू यशवंत रहांगडले यांनी दिली आहे. सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नागपुर शहर की जनता के लिए एक अच्छा निर्णय दिया कि 2020 तक की जितनी भी रजिस्ट्री वाले भूखंड धारक है उनके लेआउट नियमित करने का आदेश यहाँ के नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति महोदय को दिया है. और साथ ही अभी नागपुर सुधार प्रन्यास के चेयरमैन सूर्यवंशी जी ने पिछले 2 महीने से नागपुर शहर के सभी भूखंड धारकों को 3,000 रुपये भर के अपने भूखंड नियमित करने के लिए एक स्कीम योजना उपलब्ध कराई थी, जिसके कारण इस 1.5 से 2 महीने में नागपुर शहर की जनता ने 70,000 लोगों ने अपने नामांकन अपने अर्ज जो है नागपुर सुधार प्रन्यास में जमा किए हैं और एक अच्छा काम जो है नागपुर सुधार प्रन्यास के माध्यम से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में यहां हो रहा है. और जैसे आज की 20 तारीख जो है अर्ज करने की आखिरी तारीख थी, जिसे नागरिकों का काफ़ी यानी रोष था कि यह तारीख जो है आगे बढ़ाई जानी चाहिए, जिसको देखते हुए काफ़ी लोगों की भावनाएं हम तक पहुंची, लोग हमारे शिवसेना कार्यालय तक आए और लोगों ने हमसे विनंती की कि ये तारीख जो है कम से कम 2-3 महीना और आगे बढ़ाई जाए. और बढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी था कि नागपुर शहर के 25% ही लोगों ने NIT में अपने नामांकन अपने अर्ज जमा किए थे, आज भी 75% लोग हैं जिन्होंने अपना नामांकन अपना अर्ज यहाँ नागपुर सुधार प्रन्यास में नहीं किया था. बहुत सारे लोगों को तो आज भी ये योजना चालू है यह मालूम तक नहीं थी, लेकिन शिवसेना के माध्यम से और नागपुर सुधार प्रन्यास के सहयोग से लोगों तक ये 3 महीने में और जानकारी जाएंगी और लोग जो है अपने भूखंड नियमित करने के लिए लेआउट सैंक्शन करने के लिए अपने 3,000 रुपये यहाँ भरकर अपने भूखंड नियमित भी कराएंगे, ताकि उन्हें आने वाले समय में अपने भूखंडों के अपने प्लाटों के आधे लेटर मिलेंगे और उनका प्लाट जो है नकाशा मंजूर करने के बाद उनको अपना मकान अपना आसियाना बनाने में काफ़ी सहूलत जाएंगी. और आज इसी के अंतर्गत हमने माननीय हमारे ट्रस्टी और जिला प्रमुख संदीप जी डिकेलवार इनके सहयोग से आज माननीय सूर्यवंशी साहब जो नागपुर सुधार प्रन्यास के चेयरमैन हैं इनको निवेदन देके 3 महीने यह तारीख बढ़ाई जाए ऐसा निवेदन उन्हें दिया था. और सूर्यवंशी जी ने भी हमें सहकार्य किया और परसों से फिर से 3 महीना यह तारीख आगे बढ़ाई जाएंगी ऐसा आश्वासन दिया है. और मैं आपके माध्यम से हमारे इस नागपुर शहर के सभी भूखंड धारकों से जो अनधिकृत लेआउट में रहते या अनधिकृत लेआउट में जिनके प्लॉट है उनसे निवेदन करूंगा कि यह जो मौका है इस मौके को गवाए ना और आप सभी लोग अपने अपने भूखंडों के जिनके प्लॉट हैं उनके 3,000 रुपये यहाँ नागपुर सुधार प्रन्यास में ऑनलाइन तरीके से आप भरकर अपने भूखंडों को अपने लेआउटों को नियमित सैंक्शन करा सकते हैं. यदि जिस किसी भूखंड धारक को समझ नहीं आता या जानकारी न हो तो हमारे जनसंपर्क कार्यालय हमेशा खुले हैं, आप सभी लोग हमसे संपर्क करके सहायता ले सकते हैं. हम सभी नागरिकों को जो है उनके नामांकन अर्ज निःशुल्क रूप से भरकर उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार है. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए.
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.